इलाकों में वातावरण बने और जिनको अब तक सरकारों का लाभ मिला है उनको वहां जरूर लाइए, ताकि बाकियों को विश्वास पैदा हो कि जिनको आज अभी लाभ नहीं मिला है रह गए हैं, ये मोदी की गारंटी है भविष्य में मिलेगा। इसलिए उनको जितना ज्यादा लाएंगे, जितनी जानकारी मिलेगी, और हम कुछ भी कहें, जिसको मिला है वो जब बोलता है ना तो दूसरे का भरोसा बढ़ जाता है। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, जिन जिन लोगों को किसी को गैस का कनेक्शन मिला होगा, किसी को बिजली का कनेक्शन मिला होगा, किसी को जल का कनेक्शन नल मिल गया होगा, किसी को घर मिल गया होगा, किसी को आयुष्मान कार्ड मिला होगा, किसी को मुद्रा योजना मिली होगी, किसी को स्वनिधि मिली होगी, किसी को बैंक से पैसा मिला होगा, किसी को बीमा का पैसा मिला होगा, बहुत सारे लाभ है। जब उसको पता चलता हमारे गांव में उसको मिला है, उसको लगा चलो मैं भी रजिस्टर करवा देता हूँ। और इसलिए जिसको मिला है वो ज्यादा आने चाहिए, वो आकर के बताने चाहिए कि देखो भाई ये योजना है मोदी की, इसका फायदा उठाओ। मुझे तो गांव से गरीब व्यक्ति तक, शहर की झुग्गी झोपड़ी तक सरकार के सभी लाभ पहुंचाने हैं और बिना मुश्किल को पहुंचाने हैं। और इसलिए ये गाड़ी जल्दी चल पड़ी है, ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी है ना, वो आपके लिए है। तो आप ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, इस कार्यक्रम को सफल बनाए और देश में 2047 में जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, ये देश विकसित होके रहेगा, ये मिजाज पैदा करना है। हम सब कुछ अच्छा करेंगे और देश को अच्छा बनाएंगे, इस विचार को लेकर के चलना है। और ये वातावरण बनाने में ये यात्रा, ये गाड़ी, ये संकल्प बहुत काम आने वाला है। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। भारत माता की, एक बार जोरदार आवाज के साथ भारत माता की। आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, जो आज हमारे बीच में इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के उपलक्ष में हमारे बीच में हमारा मार्गदर्शन, हमारा मनोबल बढ़ाने यहाँ आए हैं। आज खुशी का विषय कि आज हमारे जिला सुंदरनगर का कार्यालय का भी उद्घाटन हुआ है, इसके लिए एक बार जोरदार तालियां। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय सुदाम सिंह जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जयराम ठाकुर जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं जोरदार तालियों के साथ। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के सम्मान्य अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर बिंदल जी हमारे बीच में हैं, तालियों के साथ सबका स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय अविनाश राय खन्ना जी भी मौजूद हैं। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के सम्मान्य संगठन मंत्री आदरणीय सिद्धार्थन जी, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता और पूर्व में महामंत्री रहे और सुंदरनगर के सामान्य लोकप्रिय विधायक आदरणीय राकेश अम्बाल जी, हमारे बीच में नाचन के लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद जी जो प्रदेश के सचिव भी हैं, हमारे बीच में प्रदेश के महामंत्री आदरणीय बिहारी लाल शर्मा जी, हमारे बीच में आदरणीय गोविंद ठाकुर जी जो हमारे मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी भी हैं, तो हमारे बीच में सभी विधायकगण और हमारे प्रत्याशी और सभी संगठनों के अध्यक्ष, महामंत्री और सभी जनता यहां पर हमारे कार्यकर्ता पहुंचे। एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय नड्डा जी का एक बार फिर से आपने नेतृत्व में प्रदेश में जो तीन प्रदेशों में हमने एक प्रचंड जीत हासिल की है, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। खड़े होके हम सभी इनका स्वागत करेंगे, खड़े होके।
माता की, भारत माता की, नटाज जी को जय श्री राम। मैं विनोद जी से निवेदन करूंगा कि जो विकसित भारत संकल्प यात्रा में जो शपथ लेनी है उसके लिए आप आएं और सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और जो शपथ तय हुई है उसको सभी लेंगे। मान्य विनोद जी, हम शपथ लेते हैं कि भारत को जो 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे, गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे, भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे, नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे, भारत माता की जय।